वैसे स्टूडेंट जो इस बार 2022 में जो इंटरमीडिएट या मैट्रिक पास कर चुके हैं, तो उन सभी के लिए स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। तो ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, तो जिन सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, वो सब बहुत सारे परेशान अभी हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे कैसे मिलेगा और जो यूजर आईडी जो पासवर्ड है, अभी तक मेरा यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया है। लगभग 6 से 7 दिन हो गया है, 8 दिन हो गया है, और अभी तक मेरा यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि क्या मतलब ये रजिस्ट्रेशन सही हो पाया है, ये सही जो मैंने ऑनलाइन करवाया है कहाँ, जहाँ वो मतलब सही तरीका से ऑनलाइन किया है अथवा नहीं किया है, बहुत इसको लेकर आप परेशान हो जाते हैं। जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला होगा, जो आपको यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उसमें एक स्लिप प्राप्त हुआ होगा, तो उसमें जब स्लिप प्राप्त हो चुका है, सक्सेसफुल का जब रजिस्ट्रेशन वहाँ पर मिल चुका है, तो आपका ये 100% रहे कि आपका ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलने के लिए अभी वेट कर रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट का यूजर आईडी एंड पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा और किस तरीके से चेक करना है कि हमारा यूजर आईडी पासवर्ड अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मेरा सत्यापन के लिए रिक्वेस्ट में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, उन सभी का कैसे चेक करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मन में किसी भी तरह का सवाल आएगा तो एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा। एक बात ऐसे ध्यान देंगे, जो भी यूजर आईडी एंड पासवर्ड अभी तक नहीं आया है तो कहाँ से मिलेगा, कैसे चेक करेंगे, चलिए मैं इसका आपको सारा प्रोसेस दिखा देता हूँ। और जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे रजिस्ट्रेशन करने स्कॉलरशिप के लिए, तो उसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जहां से आप उस वाले वीडियो को देखकर अपना घर बैठे ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे या किसी चीज़ का क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है मेधा सॉफ्ट, इस तरह से मेधा सॉफ्ट टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद पेज इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको ये वाला वेबसाइट ओपन करना है मेधा सॉफ्ट, इस वाला पेज को ओपन कर लेना है। यहाँ से ओपन करेंगे पेज ऐसा देखने को मिल जाएगा। वैसे इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उस वाले वेबसाइट को जाकर वहां से उस डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट इस वाले वेबसाइट पर आप चले आएंगे। यहां आने के बाद आपको यहां पर सारा डिटेल जो लिखा गया है मेधा सॉफ्ट वाला ई लाभार्थी, यहां पर लिखा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक के लिए, इसके बाद यहाँ पर 1 to 12th क्लास के लिए यहाँ पर लिखा है, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 2022 स्कॉलरशिप मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करें, और इसके बाद लिखा हुआ यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री बालिका यानी कि केवल गर्ल्स के लिए प्रोत्साहन योजना राशि के लिए। तो मुझे चेक करना है यहाँ पर 12th के लिए, आप 10th के लिए चेक करना चाहते हैं तो इस पर आएंगे, और मैं 12th का चेक करके बताता हूँ। तो इस पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि पेज वाला इस वाले पेज को ओपन कर लेना है, जो ये पेज ओपन हो रहा है, पेज ऐसा ओपन होगा। और पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन रीड कर लेंगे, और नोटिफिकेशन रीड करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहला ऑप्शन जो करना है स्टूडेंट क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जब यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन खुलेगा, जो न्यू अप्लाई करने का ऑप्शन जो खुलता है यहीं से इसी वाले पेज से, तो पेज खुलने के बाद ऐसा देखने को मिल जाएगा, जो इस तरीके से आपको शो हो पा रहा है, ऐसा पेज देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर सभी गाइडलाइन यहाँ पर बताया गया है। और क्या करना है कि आपको जब चेक करना है तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्टूडेंट का ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट, लॉग इन फॉर स्टूडेंट, यहाँ पर गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो BACB का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो आपका जो 12th का जो होगा मार्कशीट, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर दिया था ऑनलाइन कराते समय स्कॉलरशिप, वो वाला मोबाइल नंबर इसमें डालना है। इसके बाद सेंड का सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। टाइप करने के बाद सेंड वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीका का पेज देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा है योर अप्लीकेशन इज नॉट वेरीफाई, यानी कहने का मतलब है कि आपका ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है लेकिन आपका जो आवेदन है बोर्ड की तरफ से वेरीफाई अभी नहीं किया गया है, इसके वजह से आपको आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, तो यही आपको समस्या आ रहा हो, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको वेट करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है जो यहाँ पर आपको कर सकते हैं। इसका एक और यहाँ पर देख पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ इसका 100% सोल्यूशन कि इसका क्या हो पाएगा।
जैसे यहाँ पर इस पर ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखा है आफ्टर वेरिफिकेशन यू कैन गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यानी कि वेरिफिकेशन होने के बाद ऑटोमेटिक आपका मोबाइल पर या ईमेल पर दोनों पर आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। अब कैसे हम चेक कर पाएंगे कि मेरा वेरीफाई के लिए यानी कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि नहीं हो चुका है, यहाँ पर तो लिख रहा है कि नॉट वेरीफाई, तो क्या रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ है अथवा नहीं हुआ, कैसे चेक करें? तो चलिए आपको रजिस्ट्रेशन वाला दिखाता हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन चेक करना है। तो सबसे पहले आपको होम पेज पर यहाँ पर आना है, होम पेज पर आइएगा और होम पेज पर आने के बाद ये वाला पेज देखने को मिलेगा और यहाँ पर आने के बाद इसके बाद लिखा है स्टूडेंट फॉर रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर लिखा है चेक नेम योर लिस्ट, योर लिस्ट में नाम होगा उसका, तो मुझे रजिस्ट्रेशन चेक करना है हुआ है कि नहीं, तो इस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा और उस स्कूल का नाम सेलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट करें जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से होंगे, मैं औरंगाबाद से हूँ, औरंगाबाद पर क्लिक करूँगा और इसके बाद यहाँ पर कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ होगा, जिस कॉलेज से आप पास हुए होंगे उस कॉलेज का यहाँ से नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका जो भी कॉलेज होगा अपना कॉलेज चूज करेंगे, इसके बाद यहाँ पर व्यू का सेक्शन है इस पर क्लिक करेंगे, व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो भी स्टूडेंट ने यहाँ पर वेरीफाई किया होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा, जो ऑनलाइन जो स्कॉलरशिप जो हुआ होगा, जो ऑनलाइन स्कॉलरशिप करवाए होंगे, उन सभी स्टूडेंट का यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन शो कर जाएगा कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, कौन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा है औरंगाबाद के लिए यहाँ पर इनका नोट वेरीफाई, यानी कि ये अभी तक नोट सबमिटेड, यानी कि ये अभी तक इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इनका लिखा हुआ सबमिटेड रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट हो चुका है लेकिन अभी तक इनको भी यूजर आईडी पासवर्ड एंड नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन तो हुआ है लेकिन अभी तक यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड इनका नहीं मिला है और इनको कई जो रेड कलर वाला है, रेड कलर वाला तो ये अभी तक रजिस्ट्रेशन कराए ही नहीं है, तो ऐसा ऐसा यहाँ पर अभी तक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, मन में किसी भी तरह का सवाल होगा तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। यूजर आईडी पासवर्ड आपको वेट करना पड़ेगा, आपको हो सकता है एक सप्ताह या पाँच दिन चार दिन आपको वेट करना ही पड़ जाएगा, तो आप थोड़ा सा और वेट करेंगे ऑटोमेटिक आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा और यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो मैं आपको आगे का प्रोसेस वाला वीडियो मैं बना दूंगा जिससे आप घर बैठे आगे का प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।